दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और सलमान खान की रखेल जैकलीन फर्नांडीज की एक ऐसी गंदी और शर्मनाक हरकत के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सलमान खान के टुकड़ों पर पलने वाली ये अभिनेत्री आखिर इतना शर्मनाक काम कैसे कर सकती है। बॉलीवुड में अगर किसी फिल्म में रोमांटिक या फिर एंटीमेंट सीन नहीं है तो अक्सर ऐसा होता है कि वह फिल्म पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाती। यही वजह है कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में बोल्ड सीन जरूर शूट करवाते हैं। ऐसा ही एक एंटीमेंट सीन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडीज के बीच शूट किया गया, जब वह दोनों फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडीज के बीच कुछ बोल्ड किसिंग सीन थे जिसे शूट करते समय सिद्धार्थ खुद पर काबू नहीं रख पाए और डायरेक्टर के बार बार कट बोलने के बाद भी सीन करते रहे। बता दें कि इस सीन की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ ने जैकलीन के कोमल होठों को बुरी तरह से चबा चबा कर जख्मी कर दिया था। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ और जैकलीन की इस छिछोरी हरकत के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में नाम कमाने वाली श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडीज कोलंबो में पली बड़ी और 2006 में मिस श्रीलंका यूनिवर्स रह चुकी हैं। इसके बाद उन्हें बतौर रिपोर्टर श्रीलंका में काम करने का मौका मिला। जैकलीन मॉडलिंग के लिए भारत आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। बात अगर जैकलीन की पर्सनल लाइफ की करें तो जैकलीन का पहला बॉयफ्रेंड एक राजकुमार था। करियर के शुरुआती दिनों में जैकलीन बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा को डेट करती थी। बहरीन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले खलीफा और जैकलीन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। लेकिन जब जैकलीन को फिल्म हाउसफुल मिली तो उनका रिश्ता टूट गया क्योंकि उस वक्त उनकी बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद खान से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। खलीफा के बाद जैकलीन का अफेयर खुद से 15 साल बड़े साजिद से रहा। 2019 में मीडिया में दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। जैसा कि जैकलीन बॉलीवुड में बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, ऐसे में साजिद ने करियर संवालने में उनकी मदद की। यही वजह रही कि जैकलीन को फिल्म हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 में ब्रेक मिला। 2012 में तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि साजिद और जैकलीन शादी करने वाले थे। हाउसफुल 2 के सेट पर जैसे ही जैकलीन पहुंचती, सब उन्हें भाभी भाभी कहकर बुलाने लगते। इससे पहले कि शादी तक बात पहुंचती, फरवरी 2013 में जैकलीन को साजिद के पजेसिव नेचर से परेशानी होने लगी। दरअसल साजिद खान उनके रोल से लेकर कपड़े तक खुद सेलेक्ट करने लगे थे। इसी बिहेवियर से तंग आकर जैकलीन ने 2013 में साजिद से ब्रेकअप कर लिया। बॉलीवुड में अगर किसी फिल्म में रोमांटिक या फिर एंटीमेंट सीन नहीं है तो अक्सर ऐसा होता है कि वह फिल्म पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाती। यही वजह है कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में बोल्ड सीन जरूर शूट करवाते हैं। ऐसा ही एक एंटीमेंट सीन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडीज के बीच भी शूट हुआ था, जब वह दोनों फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ और जैकलीन के बीच कुछ बोल्ड किसिंग सीन थे जिसे शूट करते समय सिद्धार्थ खुद पर काबू नहीं रख पाए और डायरेक्टर के बार बार कट बोलने के बाद भी सीन करते रहते हैं। बता दें कि इस सीन की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ ने जैकलीन के कोमल होठों को बुरी तरह से चबा चबा कर जख्मी कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों कलाकार फिल्म के सेट पर ही संभोग करना चाह रहे हों। हद तो तब हो गई जब सिद्धार्थ ने अचानक जैकलीन फर्नांडीज के निजी अंगों को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक जैकलीन घबरा गई और वो सिद्धार्थ की बाहों से निकलकर जोर जोर से रोने लगी। डायरेक्टर भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं। उस दिन शूटिंग वहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जैकलीन और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें जोर पकड़ने लगी और फिर साफ हो गया कि इन दोनों के आपस में नाजायज संबंध थे। दोस्तों जैकलीन के आशिकों की इस फहरिस्त में वैसे रणबीर कपूर भी शामिल होना चाहते थे, हालांकि जैकलीन ने उन्हें भाव नहीं दिए। दरअसल 2014 में आई फिल्म रॉय में रणबीर ने जैकलीन के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर की थी, तब वे कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में थे। 2016 में कैटरीना से ब्रेकअप होने के बाद ऐसी खबरें आई थी कि वे जैकलीन को अप्रोच कर रहे हैं। न सिर्फ रणबीर ने उन्हें काफी मैसेज किए बल्कि वे कई बार जैकलीन से डिनर डेट के लिए पूछ चुके थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो दोस्तों जैकलीन फर्नांडीज के आशिकों की इस लंबी फहरिस्त के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।